कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी तथा अन्य नेता भी लगातार हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। पदमपुर में आयोजित किसान महापंचायत से पहले हनुमानगढ़ में एवन टीवी से गुरनाम सिंह चंदूनी ने की खास बातचीत। कृषि कानून को लेकर 90 दिन से लगातार किसान दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के अंदर किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी व अन्य कई नेता है जो किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। आज गुरनाम सिंह चंदूनी है जो वो पदमपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। हमारे साथ है गुरनाम सिंह चंदूनी, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी सर बताएं, आज सभा को संबोधित करेंगे। देखिए पूरे देश में सभाएं कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज पदमपुर में जिला गंगानगर में एक महापंचायत है, और क्योंकि 3 महीने से बीजेपी सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी है, इसलिए पूरे देश के अंदर ये आंदोलन फैलाएंगे। और ये जो बहम है इनका कि अभी तो ये आंदोलन उत्तरी भारत में है या कुछ स्टेटों में है, वो बहम निकालना। अभी दक्षिण के जो प्रदेश हैं उनमें भी हमारी जनसभाएं शुरू हो गई हैं, उनमें भी जनसभाएं करेंगे और वहां भी आंदोलन को खड़ा करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान जारी किया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा ये लड़ाई किसानों की नहीं है, किसान नेताओं की है, राजनीतिक नेताओं की। आपका क्या कहना? ये लड़ाई जो है जनता वर्सेस कारपोरेट की है। जो बीजेपी सरकार है वो कारपोरेट के एजेंट के रूप में काम कर रही है, और पूरे देश का चाहे वो किसानों का कारोबार है, चाहे वो दुकानों का कारोबार है, चाहे वो व्यापार का कारोबार है, ये सारे कारोबार समेट के ये अपने जो चंद मित्र हैं उनको देना चाहते हैं। और आपके सामने इसके तथ्य भी हैं कि आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे तक पहुंच गई है और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं बची है। इस इतना अंतर इस देश में जो है, एक समानता का अधिकार कोई बचा नहीं है। और उसके बाद जो अब भी जो बाकी कारोबार है उसके लिए भी ऐसे कानून बना रहे हैं कि सारा पूंजीपतियों के पास हाथ में जाए सब कुछ। कैमरामैन गुरदेव सिंह सैनी के साथ जसविंदर सिंह, एवन टीवी।